राजधानी में जहां युवा व्यवसायियों व वृद्धों के साथ छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही है, वहीं अब एक 26 वर्षीय अविवाहित महिला को भी साइबर अपराधी ने महंगे तोहफे व धमकी देकर रंगदारी मांगी और महिला को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई। महिला की शिकायत पर जरीपटका पुलिस ने साइबर अपराधी राहुल खन्ना के खिलाफ धोखाधड़ी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि महिला ने आत्महत्या का भी प्रयास किया। जानकारी के मुताबिक 26 वर्षीय अविवाहित महिला वह दो बच्चों के साथ सास ससुर के साथ रहती है। 22 मार्च को वह फेसबुक पर राहुल खन्ना से मिली। उसने महिला का मोबाइल नंबर ले लिया। उसने व्हाट्सएप पर महिला से संपर्क किया और खुद को यूके मैरिज ब्यूरो से होने की जानकारी बताई। आरोपी ने महिला से कहा कि मेरा नाम राहुल है और मैं बिजनेस करता हूं। इसके बाद दो दिन तक लगातार महिला से बात की। तीसरे दिन उसने महिला के मोबाइल पर दोबारा संपर्क, आई लव यू सो मच कहकर उसने महिला को व्हाट्सएप पर तस्वीर भेज दी। उसने फोटो भेजी, फिर उसने वीडियो कॉल किया। महिला से उसके कपड़े उतरवाए गए, जिसके बाद आरोपी ने महिला का अश्लील वीडियो बनाया और उसे वायरल कर देने की धमकी देकर पैसों की मांग की। वहीं 25 मार्च को आरोपी तक पैसे पहुंचाने के बाद आरोपी ने दो बार महिला से पैसों की मांग की और ऐसा न करने पर वीडियो वायरल होने की धमकी दी। आरोपी से तंग आकर महिला ने 1 अप्रैल की सुबह अपने बाएं हाथ की नस ब्लेड से काट कर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस प्रयास के बाद महिला की सास ने उसे मेयो अस्पताल में भर्ती कराया। महिला के मायके वालों को सूचना दी गई। इसी बीच महिला का मोबाइल घर पर ही था, जिस पर आरोपी राहुल ने महिला के फोन पर अश्लील वीडियो भेज दिया, जिसे महिला के ससुर ने देख लिया, जिसके बाद विधवा की सास ने यह वीडियो परिजनों को मोबाइल फोन पर वायरल कर बहू की बदनामी की। इस मामले में पुलिस ने महिला की सास के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। जरीपटका पुलिस स्टेशन हद्दीत रहनारी 26 वर्षीय महिलेने फेसबुक वर क्लिक केल्यामुळे मैरिज ब्यूरो क्लिक केल्यानंतर तिला व्हाट्सअप द्वारे कॉल आला। त्या व्हॉट्सअप कॉल करणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःचं नाव राहुल खन्ना यूके मॅरेज असं सांगून त्याच्याशी मैत्री केली आणि लग्न करण्याचं खोटं आश्वासन त्या महिलेला दिले। त्या दरम्यान वेगवेगळी कारणं सांगून त्यांनी लग्नानंतर मला तुझ्याशी लग्न करायचं आहे, तुला मी गिफ्ट दागिने घड्याळ ड्रेस असे या वस्तू मी पाठवत आहे अमेरिकेवरून असे पाठवत आहे कुरिअरनी, ते सोडवून घेण्यासाठी तसंच कस्टमनी पकडले आहेत ते सोडवण्यासाठी असे वेळोवेळी पैशाची मागणी करून गुगल पेद्वारे एकूण 1,44,000 रुपये त्या महिलेकडून त्या आरोपीने घेतलेले आहे। त्या दरम्यानमध्ये त्यांनी महिलेचे अश्लील व्हिडिओ तयार करून तिला पुन्हा पाठवीन आणि व्हायरल करील अशी धमकी दिली। त्या दरम्यान महिलेने स्वतःच्या हाताची नस कापून घेतलेली। उपचारादरम्यान पोलिसांना ही गोष्ट लक्षात आल्यावर पोलिसांनी महिलेच्या तक्रारीवरून आरोपी राहुल खन्ना याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। महिलेवर उपचार चालू असताना महिलेचा मोबाईल तिच्या सासरी होता, त्या मोबाईलवर आरोपी राहुल खन्ना याच्याकडून आलेल्या व्हिडिओज आणि मेसेज फॅमिलीतील काही लोकांनी इतर नातेवाईकांना पाठवलेले आहेत असं तपासात आत्तापर्यंत निष्पन्न झाले, त्यानुसार तपास सुरू आहे। जरीपटका पोलिसांकडून जनतेला आवाहन करण्यात येत आहे की अनोळखी व्यक्तीकडून फोनद्वारे ओळख निर्माण करून वेगवेगळी कारणं सांगून वेगवेगळ्या ठिकाणून बोलत आहे, उदाहरणार्थ इलेक्शन ऑफिसमधून बोलत आहे, हे मॅरेज ब्युरोचं आहे तर मॅरेज ब्युरोमधून बोलत आहे, असं वेगवेगळं सांगून फसवलं जातं। त्यांचा उद्देश पैसे मिळवण्याचा असतो। असे कोणते फोन जर आले तर त्या लोकांनी त्या फोनला रिस्पॉन्स देऊ नये आणि रिस्पॉन्स दिला तरीसुद्धा त्यांना पैसे पाठवू नये। तसे आढळून आल्यास तात्काळ पोलिसांनी संपर्क करून पोलीस ठाणे येथे येऊन तक्रार देणं आवश्यक आहे। कोणीही अनोळखी व्यक्तीच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून ऑनलाईन पैसे पाठवून स्वतःची फसवणूक करून घेऊ नये असं जरीपटका पोलीस स्टेशन यांच्याकडून जनतेला आवाहन करण्यात येत आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी, BCN न्यूज नागपूर।